एवरीवन। भारत की अगर बात की जाए तो भारत को आप युवाओं का देश कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में नौकरी कहाँ चली गई? जब हम इसको वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होने चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। रोजगार के नाम पर आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और जो देखने को मिलेगा वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब बात आती है तो इस चीज का क्या किया जाए, वो भी तब जब हमारे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एजुकेट है। क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन का पैमाना है वो सिर्फ लिखना और पढ़ना है, इस बेस पे ही यहाँ पर शिक्षित मान लिया जाता है, जो अपने आप में एक अनूठा और निराला है। अगर हम इसको ड्वेल कंट्रियों के कंपेरिजन की बात की जाए तो भारत किस तरीके से, जो भारत के जवान है वो आज भी अपने जो काम कर रहे हैं वो पुराने किस्म के काम कर रहे हैं, और पुराने किस्म के ही काम आपको मांगते हुए मिलेंगे। भारत के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग नई खोजों में करना चाहिए ताकि भारत को और संपन्न बनाया जा सके। हमें हमेशा मौलिक चीजों को ही खोजना चाहिए। मौलिक चीजों का मतलब यहां पर ओरिजिनल से है। जबकि भारत देश के इंजीनियर आज भी वैसे ही मकान घर बनाते आ रहे हैं जैसे 500 साल पहले मिलते थे देखने को। आज भी ईंटों से ही हम घर बना रहे हैं। अगर ईंटों की बात की जाए तो ईंटों का प्रयोग 500 साल पहले इसलिए किया जाता था क्योंकि तब जो घर की हमें दीवारें देखने को मिलती हैं वो सीधी नहीं मिलती थी, बल्कि सीधा करने के लिए ब्रिक्स का, ईंटों का यूज किया जाता था। जबकि आज की डेट में हम बिना ईंटों के घर भी बना सकते हैं, लेकिन वही पुराने ढर्रे वाली चीजें, वही आर्टिफिशियल चीजें, कॉपी पेस्ट वाली चीजें। हम बात करें साइंस की, साइंस में आपको हमेशा नए प्रयोग होते मिलेंगे। भारत के जवान को भी हमेशा नए प्रयोग करने होंगे। अब बात यह है कि नए काम खोजे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भारतीय है वो पुराने ढर्रे के जो रास्ते हैं उन पर ही क्यों चल रहे हैं? हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और काम कम, और जहां भी पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पर आपको जो डेफिशिएंसी है वो कम होती हुई मिलेगी। भारत की जो नौकरशाही है वो काम को फैलाने का काम करती है, ना कि उसे हल करने का। अगर हम यहाँ पर कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ की कंपटीशन आपको फेक कंपटीशन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। अब आप पूछेंगे वो कैसे? यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी के हो या फिर और आपको ट्वेल्थ लेवल पर इंजीनियरिंग के एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो आपको ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा, जो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, इट्स मीन जो सबसे ज्यादा रट्टा मारेगा उसे ही फर्स्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि वो कोई भी वो काम तो नहीं कर रहा जो कि हो ओरिजिनल मौलिक। वो वही जो अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है रट्टे वाला काम, वही वो रट्टा मारता जा रहा है। तो ऐसे कैसे देश हमारा तरक्की करेगा? आज भारत देश में कितने ही इंजीनियर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बनेंगे। इंजीनियरिंग खत्म होते ही चल पड़ते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन कोई भी इंजीनियर यह नहीं कभी सोचता कि समुद्र पे भी घर बनाया जा सकता है, आसमान में भी घर बनाया जा सकता है। जबकि आप देखेंगे कि ऐसे अनूठे प्रयोग वेस्टर्न कंट्रियों में हमें देखने को मिले। जी हाँ, अगर वेस्टर्न कंट्रियों की बात की जाए तो हम आपको लेकर चलते हैं यूएसए। यूएसए में इंजीनियर हमें देखने को मिला जबरदस्त, जिसका नाम था फुलर। उस फुलर ने सबसे पहले ये टेक्निक बताई, ये आइडिया दिया कि हम समुद्र पे भी घर बना सकते हैं। ना केवल सुझाव दिया बल्कि पूरी टेक्निक भी बताई कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे वो एक साथ 20,000 घर बनाएगा जो कभी डूबेंगे भी नहीं, चाहे सुनामी ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि चारों तरफ से वो बंद होंगे। उनमें जो हवा का जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उन्हें समुद्र पर तैराने का कारण बन जाएगा। तो है ना सबसे बड़ी बात।
और अगर हम अपने अतीत से भी कुछ सीखते तो आज कहानी कुछ और होती, क्योंकि आप जैसे सभी को पता होगा कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। अब बात की जाए सबसे नॉर्दर्न पार्ट की, जिसका नाम था मांडा, और उसके पास एक जगह भी मिली जिसका नाम था बुर्जहोम। ये कश्मीर की बात है, जहाँ पर 5,000 साल पहले लोग हमें जमीन के अंदर घर बनाकर रहने को देखने को मिले। लेकिन उनसे ही अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज कहानी कुछ और होती, क्योंकि आज की डेट में जो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी, जिसे हम आज की डेट में जिस एरिया को सेज बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो बैरन लैंड है, जो शहर से या गांवों से बाहर है, जहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता, हम ऐसी लैंड को सेज के अंडर मान लेते हैं और वहीं पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था, हमें मांडा से ये सीख लेनी चाहिए थी कि कैसे जमीन के अंदर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, ताकि जमीन भी कम ना हो, क्योंकि जमीन तो हमेशा रहेगी लिमिटेड, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। अगर वो उसके अंदर जमीन के अंदर होगी तो ऊपर की जो लैंड होगी वहां पर हम वापिस जो हमारी कल्टीवेशन है क्रॉप्स कल्टीवेट कर सके और हमारे यहाँ पर कोई भी कमी ना आनी पाए। लेकिन हुआ उल्टा, हम ऐसा कुछ भी ना कर पाए और हमारी जो लैंड है वो भी आपको धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिली। तो किस तरीके से हमने कितनी तरक्की की, अब बात ये आती है। अब बात की जाए आज के हमारे इंजीनियर की, तो आपको PW या किसी गवर्नमेंट जॉब की कतार में देखने को मिलेंगे जॉब की तलाश में। भारत का जवान युवा अपने आप को जवान सिद्ध ही नहीं कर पाया, क्योंकि जवानी का पहला लक्षण है कि कोई मौलिक खोज करना। हिंदुस्तान में कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें PhD कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में PhD कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर कॉलेज हमें क्या देखने को मिलता है कि जिन्होंने एग्रीकल्चर में PhD की है, या तो वो वही परंपरागत रूप से खेती करने लग गया या ज्यादा से ज्यादा उसी कॉलेज में पढ़ाने लग गया। तो ऐसे कैसे भारत फिर नई जो बुलंदियां हैं उनको छू पाएगा। भारत में कोई जवान अगर ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो ऐसी शिक्षा समझने से हमें ये मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिस यूनिवर्सिटी से उसने ली है उस यूनिवर्सिटी ने अभी वो काम अपना पूरा नहीं किया है, तो हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी। और इंडियन इंजीनियर कॉलेज की बात की जाए, जो हमारा इंजीनियर है वो कैसे पैसे देकर इंजीनियर बन जाता है, चाहे उसे अपनी गाड़ी में हवा भी ना भरनी आए, तो ऐसी शिक्षा का भी क्या फायदा जो अपने आप को, जो भारत के युवा को आत्मनिर्भर भी ना बना पाए, जो भारत की आवश्यकताओं को भी हल ना कर पाए, जो रोजगार ही ना मिला पाए, ऐसी अंग्रेजी मीडियम शिक्षा का क्या फायदा। हम भारत में जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा आपको साइंस का स्टूडेंट ही मिलेगा, साइंटिस्ट नहीं। वैज्ञानिक होने का तो यही मतलब है कि जिंदगी को हमेशा नए रास्ते देना, जिंदगी के लिए नए रास्तों की तलाश करना, हम जिंदगी को समृद्धि के नए पहलू सुझाना। लेकिन भारत के बच्चे तो वही किताबें जिनका सिलेबस जर्जर सड़ा गला हुआ है वही रट्टा मार रहे हैं आज भी। आज भी हमारे स्कूल कॉलेजों में आपको 2×2=4 ही देखने को मिलेगा, जबकि आज मैथ के अंदर कई साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिखाया है कि 2×2=5 भी होते हैं। अब बात आती है कि जब सारी दुनिया में नया हो रहा है और तब भी भारतीय इतने अपने पुराने जो ढर्रे की लाइफ है उसको क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, क्यों हमारी जो शिक्षा है वही अंग्रेजों की देन बनी हुई है, जैसा हमें ब्रिटिश पीरियड में देखने को मिला था। आज जब आदमी चांद पर चला गया है, मंगल पर जाने की तैयारी है, ऐसे में हम भारतीयों को 2 टाइम का अगर खाना भी ना खिला पाए तो ऐसी स्टडी का, ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। जैसा कि आपको कोरोना पेंडेमिक में देखने को मिला कि एक वो लड़का जिसकी बहुत ज्यादा जो फोटो है वो वायरल हुई थी, जिसको बहुत ज्यादा भूख के कारण उसे सड़ा हुआ मरा हुआ कुत्ता वो खाने को मिला, मतलब वो उसको खाने लगा। तो बात की जाए हमारी इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, अगर वो आज तक
नए तरीके से खोजे ही नहीं कर पाए कि हम कैसे उन्नत किस्म के बीज बना पाए, कैसे हम अपनी पैदावार को बिना यूरिया के 2-3 गुना कर सके, कैसे हम नए किस्म के गेहूं के बीज ला पाए ताकि उस साल में 2 बार नई फसल दे सके। तो ऐसे देश की यूनिवर्सिटियों से आप क्या आशा रख सकते हैं? जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे शहर या महानगर में जाकर काम मांगते हैं तो समझो उस यूनिवर्सिटी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, बल्कि उसका काम सिर्फ स्टूडेंट को वही पुराना जर्जर सिलेबस याद करवाकर बल्कि गुमराह करने भर से है। अगर यूनिवर्सिटी से निकलकर ही कोई बच्चा बाहर काम मांगने चल जाए जहां पर आपको दूसरी यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी देखने को मिले, तो उस यूनिवर्सिटी का क्या फायदा, उस यूनिवर्सिटी का कैसे मूल्य, वो कैसे यूनिवर्सिटी अपने आप में ओरिजिनल होगी? यहां तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इंग्लिश या फ्रेंच बोल लेने से कोई तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तो इसमें है कि जहां पुरानी पीढ़ी ने छोड़ा वहीं से अगली पीढ़ी उसे आगे लेकर जाए, जहां पुरानी समस्याएं थी वो वहीं न रह जाएं बल्कि हम उसे उसका हल निकालें, उसको सॉल्यूशन निकालें उसका। चाहे पॉवर्टी की बात की जाए, पानी की बात की जाए, नेपोटिज्म की बात की जाए, तो आज भी हमें समस्याएं वैसी ही मिलेंगी जैसा बाबा आदम के समय से। तो फिर क्या फायदा ऐसी एजुकेशन सिस्टम का? हमें अपनी समस्याएं खुद ही हल करनी होंगी, कोई नहीं आएगा हमारी समस्याओं को हल करने के लिए। जब सभी छोटे छोटे देश संपन्न होते जा रहे हैं तो भारत देश क्यों नहीं? आज स्कैंडिनेवियन कंट्रियों की बात की जाए तो उनके पास सवाल ये है कि वो इतने ज्यादा समृद्ध है, इतना ज्यादा पैसा है कि उस पैसे का वो कहां पर यूज करें, जबकि हमारे भारत देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने आदमी है, और सवाल हमारे आगे ये है कि हम सबको संपन्न कैसे करें। ये बात ठीक है कि जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, आखिर वो लोग किस तरीके से नया भारत को बना देंगे? लेकिन बात यह है कि मैक्सिमम आपको जो भारत देश की आबादी मिलेगी वो गरीब ही मिलेगी। हम जब यह बात करते हैं कि ना मेरे पास रोजी रोटी नहीं है, मैं किस तरीके से आगे आविष्कार करूंगा, तो ऐसे में आपको कहां से हल मिलेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन पहले से ही लिमिटेड है। भारत के हर जवान को यह समझ लेना चाहिए कि बिना रोजी रोटी के ही रोजी रोटी का प्रबंध मैनेजमेंट करनी होगी, चाहे वह शिक्षक हो, किसान हो, स्टूडेंट हो। टोटल मिलाकर बात यह है कि अगर जिंदगी जो चीजें हमें नहीं दे पाती, हमें वही चीजों को अपनी बुद्धिमता से खोज लेना होगा, अपनी बुद्धिमता से ही उनको पा लेना होगा। अगर हम सब में बुद्धि है तो रेत से भी तेल निकाला जा सकता है, अगर बुद्धि नहीं है तो सोना भी पानी के भाव बेचना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो आप ही समझिए इस बात को कि 25-30 साल लगते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके बाहर आने में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वहां पर नॉमिनल फीस, आप एग्जांपल के तौर पर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ही ले ली जाए तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी आपको 25-30 साल का पीएचडी कोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चा वहीं से ही, आप कन्हैया का ही एग्जांपल ले लीजिए, कन्हैया वो है जो 25-30 साल बाद वहां से मान लीजिए बहुत ज्यादा पीएचडी करके जब वो वापस आया तो उसका आज की डेट में क्या काम है? वो ज्यादातर लीडर को गलियाने का काम है, जो अपोजिशन पार्टी है या जो पार्टी इस टाइम एक्टिव है, जिसकी सत्ता है, उसको गलियाने का काम है। तो आप ऐसे में क्या मान सकते हैं कि हमारा देश कितनी तरक्की करेगा? बल्कि 25-30 साल कम नहीं होते। हम आशा करते हैं कि जिस बच्चे को 25-30 साल पढ़ाया लिखाया गया है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो भारत देश हो, तो आगे जाकर वो धीरे धीरे भारत देश को तरक्कियों पर, बुलंदियों पर लेके जाएगा। लेकिन ऐसे देश, ऐसे बच्चों से आप अंधेरा, भारत देश का जो अंधेरा है उसको मिटाने का तो छोड़ो, वो तो ग्रहण लगाने का काम करेंगे। अब आप चलते हैं टेस्ला पर। टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क, अगर उनकी बात की जाए तो आप देख सकते हो सबसे सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने की कल्पना उन्होंने ही शुरू की। कोई भी आदमी जो आपको शुरू में काल्पनिक मिलेगा, आप देखोगे बुद्धिमान आदमी हमेशा काल्पनिक ही होगा, और धीरे धीरे वो अपने तर्क से, धीरे धीरे अपने आइडिया से सारे दुनिया को उजाले की ओर ले जाएगा। तो आप देख सकते हो
लेकिन भारत में तो हर नागरिक वेट कर रहा है 15 लाख का कि मोदी डालेगा अकाउंट में और तब हम कुछ करेंगे। अरे जिनके पास पहले से ही 15 लाख हैं, जो पहले से ही संपन्न हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कर दिखाया, उन्होंने भी क्या घंटा उखाड़ लिया। अब बात की जाए यहां पर, इतिहास गवाह है, खोजे हमेशा भूखे लोगों ने ही की है, और जब उनके पेट भर दिए गए तो उनकी खोजने की इच्छा भी मर गई। जब घर में आग लगी हो तो कोई बाहर ना निकले, तो ऐसे कैसे आशा की जाती है कि अगर घर में आग ना लगी हो घर से बाहर निकले। आप देखिए कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो मुफ्त के ऑर्थोडॉक्स जगह बन चुके हैं, जहां पर आशा यह की जाती है कि वो नए जो विद्यार्थी हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वहां पर वही ब्रिटिश पीरियड का पुराना जो सिलेबस है, पुराना जो अमली जामा है, वो आज भी पहनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। दुनिया में जितनी भी खोजें आपको देखने को मिलेंगी वो सब यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेंगी, बल्कि यूनिवर्सिटी तो उन खोजों को दबाने का काम करेगी। चाहे आप देख सकते हैं 3 इडियट में किस तरीके से जो उन्होंने ड्रोन बनाया था, लेकिन वहां पर तो उसको दबाया गया, बाद में वो पूरा किया गया। ठीक वैसे आपको जितनी भी खोजें मिलेंगे सब यूनिवर्सिटी के बाहर ही मिलेंगी। तो अब किस तरीके से दुनिया को हम ऊपर लेकर जाएंगे जब हमारा शिक्षा जो प्रणाली है वो ही सड़ी गली हुई हो। अब जापान को ही ले लो, इंडिया से बहुत ही छोटा देश, जहां पर आपको हमेशा हर 30 मिनट में अर्थक्वेक आते हुए देखने को मिलेंगे, उसके बावजूद वहां के जो लोगों की इच्छा शक्ति है वो अपने आप में सबसे यूनिक मिलेगी। वहां पर बच्चा जब 7-8 साल का होता है वो टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा इजी वे में इतना फ्रेंडली होता है कि वो टेलीविजन तक को, LED तक को बना दे। लेकिन यहां पर इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से पैदा होते ही उनको बाबू बना दिया जाता है, क्योंकि आपको यूपी बिहार में देखने को मिलेगा कि बच्चे को पैदा होते ही बाबू बोल दिया जाता है, बाबू मतलब आज के क्लर्क। तो उनको बस वही ब्रिटिश पीरियड की वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं हम कंक्लूजन पे, हमें अपनी शिक्षा को ही चेंज करना चाहिए। हमारी शिक्षा जो है वो थ्योरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो आसपास की चीजें हैं उनसे ही हमें अपने आप को इन्फ्लुएंस होकर, इंस्पायर करकर वो चीजें करनी चाहिए जो आज की डेट में हमको दुबई में देखने को मिल रहा है। हमें नए किस्म के बीज बनाने चाहिए ताकि महामारी के टाइम भी कोई 2 टाइम की रोटी के लिए तरस ना जाए, बल्कि हमें नई खोजों की तरफ भी मुड़ना चाहिए ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। हमें चाइना जैसी कंट्रियों पर निर्भर ना रहना पड़े, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनकर और देशों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अगर हम हमारा देश खुद ही गरीब होगा तो हम कैसे लोगों का भला कर पाएंगे। लोगों का भला तभी होगा जब हम खुद आत्मसंपन्न होंगे, जब हम आत्मनिर्भर होंगे। तो ये था आज का हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर, कैसे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जर्जर हो चुकी है, कैसे रट्टाफिकेशन के कारण लोग पढ़ तो गए हैं लेकिन आज भी एजुकेट नहीं हो पाए हैं। इन्फॉर्मेशन तो मिली है पर नॉलेज नहीं आई है। तो ये थी आज के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे थे स्टडी तक। जय भारत।